आंटी जी किधर जा रहे हो? सो यहाँ पे हमारा बन रहा है कुलचा, तो बहुत ही लजीज यम्मी टेस्टी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह का फजल है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार, जैसे कि हम जा रहे हैं बाजार, क्योंकि कुछ हमें कुछ काम है, जो भी काम शाम होगा आपके साथ शेयर होगा। तो अभी हम बाजार जा रहे हैं, तो चलते हैं वहीं, और अभी चलो हमारे साथ और बने रहो हमारे साथ। तो बस अभी जा ही रहे हैं हम बाजार और मैं भी हो चुकी हूँ तैयार, तो जिसकी बहुत ही ज़्यादा ठंड है और तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे जाजू चल रहे हैं, मैं पकड़ रही हूँ हैंड, चलो ओ ठंडे पाला हुए हैं हैंड, और मामा गांध उठाते हुए। नाक ठंडी होती है सर्दियों में, ये तो आपकी नोज ठंडी हुई है? नहीं हुई है। ओके जैसू, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, टी फॉर, देखा ये खा खा के क्या हाल की है। ई फॉर, ई फॉर, ई फॉर फैब्रिक। वन, ऐसे करो, ऐसे कुछ नहीं, आपको जुकाम है। तो अभी हम यहाँ पे गए थे सामान लाने, तो जिसकी मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि थोड़े से वहाँ पे सॉन्ग्स लगे थे और सब यहाँ पे बैठी है, सोच रही है कुछ पता नहीं क्या। और अभी हम यहाँ से कुछ लेंगे जो लेना है, अपने मम्मा भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी बस लेते हैं सामान और फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सामान, तो अभी चलते हैं थोड़ा खाने के लिए कुछ लेना है। गाइस अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हमने पैक कराया है बटर चिकन और नान, तो वो घर जाके खाएंगे क्योंकि घर में भी हमने खाना नहीं बनाया था क्योंकि हम बाजार आ गए थे, तो कुछ काम था, तो इसलिए अभी हमारा पैक हो रहा है वहाँ पे भैया नान बना रहे हैं, नान बना रहे हैं, और मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं और नान बनाते हुए भैया स्माइल करते हुए। ये नहीं बनाया, नहीं यार अच्छा है, कोई बात नहीं, कहाँ कच्चे नहीं, ऐसे ही होते हैं बनते हैं, आप खाओगे फिर पता लगेगा, वो ऐसा होना चाहिए कुरकुरा जैसा, ऐसे ही निकलेगा। जैसे जा रहे हैं, ये बटर असली वाला है अमूल या वो नहीं? अमूल, मुझे हर एक चीज ज्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए, अगर कम होगी ना तो। यहाँ पे अभी हम कुलचा खाएंगे क्योंकि अभी हमें और बाजार में थोड़ा सा घूमना है, हमने घर का खाना तो पैक करा दिया मगर कुलचा यहाँ पे खा लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि चलना है अभी बहुत, तो इसलिए टाइम लगेगा हमें बाजार में, इसलिए हमने कुलचा पैक कराया, बहुत ही लजीज दिख रहा है। यहाँ पे जैजू भी खा रहे हैं, वह गिरा रहा है, खा रहा कम है, गिरा रहा है, रोने लगा। तो अभी हम फिर से यहाँ पे आ गए इस बाजार में क्योंकि सबूत ने कुछ सॉक्स वॉक्स लेनी है और यहाँ पे ट्रोजर भी नए नए आ गए, तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा सामान ले लिया, अब हम चलते हैं घर और खाते हैं खाना शाना, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ घर और मुझे खांसी भी बहुत ज्यादा है, तो बस अब खाना शाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पे अभी हम खा रहे हैं खाना जो कि हमने बटर चिकन लाया था और नान लाए थे, खा रहे हैं। जैसे आप खा रहे हो, मजा आ रहा है लगे। गाइस अभी मैं और सबेदी जा रहे हैं कपड़े सिलवाने देने क्योंकि सबुदी की ननंद की है शादी, तो सबेदी ने सिलवाने हैं कपड़े, तो और सबेदी यहीं से सिलवाते हैं कपड़े, तो अभी हम जा रहे हैं टेलर आंटी के पास, तो वहां से फिर सबेदी के कश्मीर से सिलवाते हैं क्योंकि अभी वो टेलर जो है आंटी वो आए हुए हैं यहाँ पे अपने घर मायके, तो अभी उनको देंगे हम क्या सूट सबेदी के, तो सबेदी सिलवा देंगे। सो अभी हम जा रहे हैं वहीं, तो वहीं चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे सबेरी के कपड़े मैंने उठाए, खुद तो उठाती है नहीं, तो मैंने उठाए और अभी हम जा रहे हैं टेलर के पास। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही बटर चिकन खा के रख, और हम थी शाम को चलो फिर गाड़ी में कोई 7 बजे हम आए थे ना, इनके दोस्त को गाड़ी के आगे एक हेडलाइट लेनी थी, लगानी भी थी,
नंबर ही सागर भैया उन्होंने बोला मैंने बोला सागर भैया हमने देखा था उधर सागर भैया मैं बोल रही हूँ गाड़ी में छोड़ो हमें ये गाड़ी लगी हुई है इधर छोड़ो ना प्लीज रुको आपकी शक्ल नहीं दिख रही हाय हेलो कर लो वहाँ से करो हाय हाय करो वहाँ से चलो चलना गाड़ी में फिर और रात को ब्लॉग देख लेना गाइस अभी हम चल रहे हैं सिर्फ टेलर के घर सो भी रास्ता बहुत ही कुछ अलग है व्यू भी यहाँ का बहुत अच्छा है तो सवेरी अकेले चलती है ना खाली मुझसे पकड़ा दी है ये सामान भारी है बहुत ज्यादा ही कुछ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ओहो यहाँ से कैसे चलना है तुझे तो तब भी शूज लगा है मुझे चप्पल लगी है उतर नीचे मेरा हाथ पकड़ेगी हवा तू उतर नीचे पागल है हाँ, मैं पागल हूँ तुझे शूज लगा है बहन हाथ पकड़ना हाथ कैसे पकड़ूंगी चल होगा पागल है यार हम इधर से क्यों नहीं आते थे मोहल्ले से नजदीक इधर से यार सफेदी मैं नहीं आ पाऊंगी यार मुझे शूज लेना है ये पकड़ तू यार ये भारी में भारी क्या करेगा यार मुझे उतरना भी है ना गरीब को हाय 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 कहाँ है अगर मेरे पैर गंदे हुए ना पानी भी नहीं है तो मैं धोऊंगी कहाँ से क्योंकि मुझे गंद मुझे पैर साफ होने चाहिए हमेशा यार सबरी सबरी कैसे हूँ मैं आराम से यार स्लिप भी है ना इस चप्पल को मैं यहाँ बैठ के मुझे याद आ रहा है हुसैन पहाड़ों का चीकड़ चुप रहे यार चल लो पैर गंदे हो गए चल 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 हाँ चल जल्दी मेरे पैर गंदे हो गए पहले मुझे लगता था ये टमाटर होते हैं मगर फिर मुझे पता चला ये जहर होता है मुझे पता यार बिस्मिल्लाह आ जा दे हैंड आराम से ना 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 यार अल्लाह बिस्मिल्लाह प्लेन रास्ता है ना पता नहीं कौन सा घर है उनका वो है अभी नीचे वो लाल वाला आराम से चलना है दे ये लिफाफे सभी लिफाफे दे यहाँ से उन्होंने बोला प्रवीण ने जब आप पहुंचोगे उस मकान के आगे से इधर से उधर जाना वो प्लेन जगह है फिर शायद वो उनके छत से हाँ उनके छत से सभी यहाँ से बिल्कुल आराम से आना तू ठीक है जंगल ही जंगल है गंगल है ये है ना लाल कलर वाला घर उनका चल मुझे पता है मैं और शिवदी वाले हम आए हैं एक बार शायद मैं शिवदी के ही साथ आई थी शायद उतना खास मुझे कुछ याद नहीं यार यहाँ से नीचे जाने का रास्ता ही नहीं है कोई नहीं यहाँ तो बाड़ी है यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है यार हमें रास्ता नहीं मिल रहा है घंटे के बाद हमें ये रास्ता मिल चुका है फाइनली सबदी कहाँ रह गई आ ना हाँ रास्ता तो कुछ अलग ही है आ ना यार वो देख सकते हैं आप बुड्ढी आ बुड्ढी जल्दी बुजुर्गाना मेरे सबिया हो गए बुजुर्गाना आंटी जी किधर जा रहे हो कितने आगे तक डंडा क्यों पकड़ा था तुसी तां अज जवान हो चलोंदा नहीं ओहो लक्के पीड़ है यहाँ पे बोलते हैं टक्की नहीं चिड़ोंदी है लक्के पीड़ होंदी है जो जो डोगरी मेरा कोई व्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा तो कमेंट में बता देना सो हम पहुंच चुके हैं फाइनली वरना हम वहां से आते थे ना अपने रास्ते से सो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं इनके घर बस कपड़े छपड़े देते हैं और निकलते हैं फिर आपसे मिलते हैं ओके बाय बहुत ज्यादा दूर था दीदी का घर और अभी हम बस था आधे रास्ते पे पहुंचे अभी आधे रास्ते पे पहुंचने वाले हैं और अब घर पहुंचूंगी
फिर मिलूंगी आपसे और फिर इस ब्लॉग को करेंगे एंड। गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ घर और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको किसी भी रीजन से पसंद आया होगा। कहीं करना होता है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, कीप स्पोर्टिंग।